बताने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया भाई, नारियल, पानी वाले नारियल से हैंगिंग फ्लावर पॉट बनाने के लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम हैंगिंग फ्लावर पॉट बनाएंगे। मेरा मोटिव होता है आपको हमेशा वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छा और नया अट्रैक्टिव बना के दिखाऊँ, इसीलिए मैं आज आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव सा फ्लावर पॉट लेके आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इसको, ये ऊपर का जो पार्ट है इसको निकाल लेंगे हम नाइफ की सहायता से। तो हम इस तरह से इसको देखिए, इस तरह से हम इसको पूरा निकाल लेंगे जो एक्स्ट्रा है ऊपर का कवरिंग। तो ये हमने इस तरह से इसको निकाल लिया है। देखिए ये हमने इसको अंदर से होल कर लिया है पूरा, बहुत ही अच्छा होल हो गया है ये। अब हम इसमें तीनों साइड, ये तीन जो सेंटर हैं इस साइड इधर को हम पेचकस की सहायता से होल करेंगे। होल हम इसलिए करेंगे, इसको हैंग करना है हमें फ्लावर पॉट को, तो हम इसमें होल करने वाले हैं तीनों साइड। और ये जो वेस्ट बचा हुआ है इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे करके क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हम थोड़ा सा ड्राई करने के बाद सारे प्लांटों में यदि डाल देंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, फास्टली होगी और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आएंगे। यदि आपके किसी प्लांट में कम फ्लावर्स आ रहे हैं तो उससे फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आने लगेंगे, ज़्यादा ग्रोथ होने लगेगी फ्लावर्स की। अब हम इसमें आपको होल करके बताते हैं। ये पेचकस लिया है हमने, नॉर्मल साइज का पेचकस है और आप है ना मेज़रमेंट करके निशान लगाकर होल कर सकते हैं। मैं तो विदाउट मेज़रमेंट कर रही हूँ, यदि आप कर लें इजीली तो विदाउट मेज़रमेंट भी आप कर सकते हैं। अभी ये नारियल बहुत इजीली मिल जाते हैं मार्केट में और बहुत ही हेल्थफुल भी होता है इनका पानी। और हमारे घर हम इनको यूज़ तो करते हैं, पानी पीकर फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी मटेरियल हो, भुट्टे के छिक्कल हो, कुछ भी हो, कोई भी सीड्स हो वाटरमेलन का या किसी भी चीज़ का, वेजिटेबल या फ्रूट्स, किसी के भी सीड्स को नहीं फेंकना है। हम उससे भी आपको, आप सुखा के रख लें, मैं आपको इसकी भी वीडियो बना के भेजूंगी। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको जितना हो सके वेस्ट मटेरियल से सामान बनाना बताऊं। देखिए ये मैंने तीनों साइड इनको होल कर लिया है। अब मैं इसको 2 और 3 डेज के लिए इसको ड्राई होने के लिए धूप में रख दूंगी। धूप में इसलिए रखना है कि ये जो मॉइस्चराइज़र है वो थोड़ा सा सूख जाए, उसके बाद ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, फिर हम इस पर पेंट करेंगे। पेंट या पेंटिंग्स वगैरह वो अलग अलग तरह की मैं आपको करके बताऊंगी। इसको 2 और 3 डेज के लिए पहले ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए पहले हम इसको ड्राई होने रख देते हैं। ये फ्रेंड, ये हमारे नारियल कुछ इस तरह से सूख गए हैं, ये थोड़ा ज़्यादा सूख गए हैं, आपको 2 या 3 दिन के ही लिए सुखाना है। मेरे थोड़े ज़्यादा सूख गए हैं, मैं लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ये हमें इस पर सबसे पहले वाइट कलर करना होगा, इसके ऊपर हम नेक्स्ट कलर कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर सबसे पहले वाइट कलर करेंगे, हल्का सा पानी मिलाकर। ये मैं फैब्रिक कलर कर रही हूँ, आप फैब्रिक कलर कीजिए इस पर। तो इस तरह से पहले एक कोट वाइट कलर का करना है, देन नेक्स्ट कोट आप नेक्स्ट कलर का भी कर सकते हैं जो आपका पसंद का हो। मैं इस वाले नारियल में डबल कोट जो करूँगी वो दोनों वाइट के ही करूँगी, क्योंकि हमने एक पैटर्न बनाया है वाइट एंड रेड का, तो अब मुझे ये वाला वाइट ही करना है। तो चलिए इसी तरह से हम आपको पूरा कलर करके बताते हैं। देखिए ये फर्स्ट कोट मैंने इस तरह से कर, देखिए ये फर्स्ट कोट हो गया है। हम सेकंड कोट इस तरह से करेंगे इसके ऊपर, ये हमें वाइट कलर का ही करना है, इसलिए हम ये सेकंड कोट भी वाइट कलर का ही कर रहे हैं। इससे क्या है, फिनिशिंग दिखेगी इसमें, ये जो नारियल का जो कलर है जो वो नहीं दिखेगा, थोड़ा स्मूथली दिखेगा हम जब डबल कोट कर देते हैं। तो
इसलिए हम इस पर डबल कोट करने वाले हैं। इसी तरह से हम पूरा कोट करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हमने डबल कोट कर लिया, ये हमने उल्टा करके इसको रखा हुआ है। इसको थोड़ा ड्राई होने देते हैं जब तक। चलिए हम ये जो रेड वाला है हमारे पास, ये सेकंड मैंने ये कलर किया हुआ रखा है, इस पर मैं आपको डिज़ाइन करके बताती हूँ कि किस तरह से हमें डिज़ाइन करना है। तो चलिए हम इस पर डिज़ाइन करके बताते हैं। देखिए इस पर रेड वाले पर हम ब्लैक कलर से चेक बनाएंगे, तो इस तरह से हम इस पर चेक बना लेंगे और चेक में फिर हम फ्लावर्स डालने वाले हैं। इसमें आप कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। मैं इस पर चेक बनाने वाली हूँ, इस तरह से मैं चेक बनाऊंगी। ये थोड़ा सा क्या रहता है, चिकना होता है नारियल, तो ये कलर्स थोड़ा टाइम लेता है आपको करने में। थोड़ा सा ज़्यादा जो आप कलर करते हैं नॉर्मल, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप डबल कोट कर दीजिए, तो हो जाएगा फिर अच्छे से, इजीली हो जाएगा। अब इसमें हम चेक डालेंगे, धीमे धीमे करके हमें पूरे सर्कल में चेक डाल लेना है आराम से। ये देखिए हम इस तरह से इसमें ये चेक डालने वाले हैं। देखिए अब हम पूरा आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये चेक डाल लिए हैं, इसमें इस तरह से फ्लावर्स बनाने हैं। तो मैं आपको एक फ्लावर्स बना के बताती हूँ किस तरह से बनाना है। ये नॉर्मल ब्रश लिया हमने, इस तरह से हम इसको फ्लावर्स को बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया है, इसमें फ्लावर्स बना लिए हैं। आप पैटर्न दूसरा भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो अच्छा लगे। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम वाइट वाले में आपको डिज़ाइन करके बताते हैं। इसमें हम ट्री बनाने वाले हैं, कोकोनट ट्री। तो इसके लिए हम पहले इसमें पॉइंट करके इस तरह से ये लाइन्स निकाल देंगे, और ये जो कॉर्नर्स है उस पर हम ट्री बनाएंगे। तो इस तरह से हम इस पर कर देंगे। ये देखिए ये हल्की हल्की सी इस तरह से इस पर लाइंस कर देंगे। ये देखिए ट्री, और इसके इधर थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे नीचे का बेस बनाने के लिए। और इस पर बनाने वाले हैं, देखिए इस तरह से मैंने ये तीनों साइड ट्री बना लिए हैं। ये तीनों साइड हमने जो हाई उठा हुआ दिख रहा था उस पार्ट पे हमने ये ट्री बना लिए हैं। और इसमें हम एक एक बटरफ्लाई और बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बटरफ्लाई बनाते हुए। आप कुछ और भी बना सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। देखिए इस तरह से ये हमारे ट्री बन गए हैं, और इस तरह से हमने ये
एक एक बटरफ्लाई बनाइए। 3 बटरफ्लाईज बनाई हुई हैं मैंने, इस तरह से 3 ट्री बने हैं। ये हमारा वाइट का पैटर्न है और ये हमारा रेड का पैटर्न है, तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों इस तरह के पैटर्न। अब मैं इनको हैंगिंग करने के लिए ये जो हमने छेद किए हुए थे, देखिए फ्रेंड मैंने इनको हैंग कर दिया है इस तरह से। ये पर्दे के जो कुंडे होते हैं उसकी सहायता से मैंने इसको हैंग किया हुआ है और ये कितने प्यारे से हमारे फ्लावर पॉट्स लग रहे हैं। ये देखिए मैंने 9 बजिया को लगाया हुआ है तो ये कितनी प्यारी इसमें ग्रोथ कर रही है और कितने प्यारे से ये फ्लावर पॉट्स हमारे लग रहे हैं। आप इनको बालकनी में भी हैंग कर सकते हैं तो ये आपके घर को बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर बनाएंगे और आप कोई भी ये पहचान नहीं पाएगा कि ये हैंगिंग फ्लावर पॉट किस चीज़ के हैं। तो आपको अगर इस तरह की वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। राधे राधे।